हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं और मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये वस्तुनिष्ठ के पढ़ लिए अगर आपने और पूरे कर लिए तो खेल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है स्टैटिक मध्य प्रदेश में तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि हमारी रिवीजन सीरीज़ है। क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर पढ़ूंगी, आप एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, हेडफोन लगा के आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सी सीरीज़ का हमारा ये 35वां भाग है, इसके पहले 34 भाग हो चुके हैं और 34वां भाग ही इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज रात को एक वीडियो आएगा, वो आयोग का वीडियो आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये फिलहाल हम कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी देखिएगा। पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पे है? इंदौर में है। स्थापना कब हुई थी? 1890 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन कहाँ पे है? बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 1946। टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ है? टेबल टेनिस एसोसिएशन भी जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है, कब स्थापना हुई? 1957 में। खेलकूद और युवक कल्याण विभाग कहाँ पे है? भोपाल में है। कहाँ, कब स्थापना हुई थी? 1975 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पे है? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। महिला हॉकी अकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में है। स्थापना कब हुई थी? 2006 में। महिला हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। महिला हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। अभी तीन चार नए नए अकेडमी बनी हुई हैं, वो मैंने करंट अफेयर में करा दी है। मध्य प्रदेश खेल का जो करंट अफेयर करवाया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, उसमें से दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए स्टार्ट, ये याद रखिएगा, महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर में 2006 में बनी है। महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर में बनी है, 2006 में बनी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम अगर देखा जाए तो नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है, इसमें एस्ट्रोटर्फ की सुविधा है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। तात्याटोपे स्टेडियम कहाँ है? जिसमें तात्याटोपे स्टेडियम भोपाल में है, जहाँ पर पर्यटन ट्रैक सुविधा भी है। ठाकुर रणमा सिंह स्टेडियम रीवा में है। अभय खेल प्रसार इंदौर में है, इंडो स्टेडियम है ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपसे पूछे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में नहीं है, भोपाल में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बाबे अली स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। साई क्षेत्रीय स्टेडियम गोरेगांव भोपाल में है। प्रकाश तरण पुष्कर कहाँ पे है? भोपाल में। प्रकाश तरुण पुष्कर भी कहाँ पे है? भोपाल में है। सुआ लक्ष्मण सिंह चौहान तरुण पुष्कर कहाँ पे है? इंदौर में है। लक्ष्मण सिंह चौहान कहाँ पे है? इंदौर में है। और नेहरू तरुण पुष्कर कहाँ है? ये भी इंदौर में है। अब जल क्रीड़ा केंद्र देखते हैं, इंदिरा सागर पुनासा खंडवा में है। तिगरा बांध कहाँ है? ग्वालियर में है। तिगरा बांध कहाँ है? ग्वालियर में है। तवा डैम कहाँ है? होशंगाबाद में है। बोट क्लब कहाँ है? भोपाल में है। यार्ड क्लब कहाँ है? जबलपुर में है। बांध सागर कहाँ पे है? शहडोल में है। मोहनी सागर डैम कहाँ है? शिवपुरी में है। बांचू पॉइंट कहाँ है? इंदौर में है। सैलानी आइलैंड कहाँ है? ओमकारेश्वर में। तरुण पुष्कर कहाँ है? भोपाल में। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी करेंगे। प्रदेश के किस किले में वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा लॉन टेनिस का निर्माण कराया? सतना में कराया। डफरिन ने लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कहाँ कराया? सतना में कराया था। मध्य प्रदेश में खेलकूद और युवक कल्याण विभाग कब बना? 5 अक्टूबर 1975 में। किस वर्ष खेलकूद और युवक कल्याण का नाम खेल एवं कल्याण विभाग किया? तो जून 1981 में खेलकूद और युवक कल्याण विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? खेल और कल्याण विभाग। 1982 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी? पान सिंह तोमर की। 1952 में एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व किया था और ये मध्य प्रदेश के थे, पान सिंह तोमर, याद रखिएगा पान सिंह तोमर। किस खेल के में खिलाड़ी लकड़ी के ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर करतब दिखाते हैं? मलखंब। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखंब है। कम समय में शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम किस खेल में होता है? मलखंब में। मलखंब को प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया? 10 अप्रैल 2013 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने मलखंब केंद्र हैं? 14 केंद्र हैं और 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया, याद रखिएगा 10 अप्रैल 2013 को। कितने मलखंब केंद्र हैं? 14 हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में मलखंब केंद्र? 14 हैं। प्रभात जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखंब के क्षेत्र में। मलखंब के प्रकार में से कौन से हैं? तो ये सभी मलखंब के प्रकार हैं, सेप मलखंब, हैंगिंग मलखंब, फिक्स्ड मलखंब। मलखंब का कौन सा प्रकार महिलाओं के लिए है? सेप मलखंब महिलाओं के लिए है।
दिव्यांग वर्ग में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना? तो ये दोनों को ही चुना। जानकी बाई जूडो खेलती हैं और चंद्रकांत हरड़े थ्रो बॉल करते हैं। चंद्रकांत हरड़े क्या करते हैं? थ्रो बॉल फेंकते हैं। इनको भी विक्रम पुरस्कार दिया गया, चंद्रकांत हरड़े को भी और जानकी बाई को भी। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? 1890 में। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? तो ये सभी को चुना गया, राजेश्वरी कुशराम भोपाल, जय मीना देवास और मुस्कान किरार जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1960 में। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ? 1960 में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है और ये ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। घुड़सवारी अकेडमी कब बनी? 2007 में बनी। कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश से संबंधित है? एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन इनमें से दिव्यांग श्रेणी में आता है? सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी में आता है। मुस्कान किरार जो जबलपुर की, इनका संबंध किससे है? ये तीरंदाजी से है। निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से सही का क्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा किया गया था। तो सबसे पहले आया था आपका, देखिए, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में आया था, तभी अर्जुन पुरस्कार आया था। तो आपका ऐसा आएगा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और लास्ट में आएगा ध्यानचंद पुरस्कार। वर्ष 2019 में जर्मनी में जो ISSF जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता हुई थी, किसने स्वर्ण पदक जीता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्य प्रताप ने जीता था। ऐश्वर्य प्रताप खरगोन के हैं और उन्होंने 2019 में जो जर्मनी में ISSF प्रतियोगिता हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 62वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वर्षा वर्मन ने जीता 62वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप में। बैंकॉक में 21वीं एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप मुस्कान किरार ने कौन सा पदक जीता था? मुस्कान किरार ने रजत पदक जीता जो बैंकॉक में हुई थी 21वीं एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप। वर्षा वर्मन ने 62वीं राष्ट्रीय नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक विजेता मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है? मुस्कान किरार जबलपुर की है। मुस्कान किरार कहाँ की है? जबलपुर की। 2019 में जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग जो चैंपियनशिप है 2019 में तात्याटोप स्टेडियम भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब आई थी? प्रथम खेल नीति 1989 में आई थी। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर क्या लाया गया? मध्य प्रदेश खेल न्यायाधिकरण लाया गया। 2019 में घोषित नई खेल नीति के तहत जो खेल राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होंगी उसमें स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जीता है तो 5,00,000 दी जाएगी। कौन 2017-18 रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के कप्तान थे? 2017-18 मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के कप्तान थे रणजी के, देवेंद्र बुंदेला। कौन थे? देवेंद्र बुंदेला थे। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से पहले ही टेस्ट में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था? 16 विकेट किसने लिए थे? नरेंद्र हिरवानी ने लिए थे। मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा अवार्ड खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को दिया जाता है? विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए थे? तो संध्या अग्रवाल क्रिकेटर हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। संध्या अग्रवाल ने किसके खिलाफ बनाए थे? इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 190 रन बनाए थे। कब बनाए थे? 1986 में बनाए थे। तो 1986 में 190 रन बनाए संध्या अग्रवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। किस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच 1988 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ? तो वनडे मैच हुआ था 1988 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, पहला जब हुआ था, पहला 1988 में ही हो गया था रूप सिंह स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच। प्रारंभ में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम हॉकी से संबंधित था, इसे क्रिकेट में स्टेडियम में कब बदला? 1980 में बदला। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? सौरभ वर्मा बैडमिंटन से संबंधित है। सौरभ वर्मा बैडमिंटन से है। और सौरभ वर्मा का जन्म स्थान कहाँ पे है? धार में है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 15 मई 1990 में। विक्रम पुरस्कार कब हुआ? 15 मई 1990 में। मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को पहले 1,00,000 दिया जाता था, अब 2,00,000 राशि दी जाती है। अपने पेशे के साथ मध्य प्रदेश के व्यक्तियों का मिलान करें। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित थे। हॉकी से संबंधित थे, तभी इसका ये हॉकी खेलने का जब तभी भी ये पहले हॉकी स्टेडियम था, बाद में क्रिकेट का बना दिया गया। इसके बाद संजय जगदाले क्रिकेट से संबंधित है। वर्षा वर्मा ने जो है
वर्षा वर्मा ने शूटिंग से संबंधित हैं और मधुसूदन पाटीदार पर्वतारोहण से। वर्षा वर्मन कौन काय किससे हैं? शूटिंग से हैं। कौन सा मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर संबंधित है? हर्षिता सेलिंग से संबंधित हैं। 2016-17 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ पर आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। 2016-17 का अंतिम टूर्नामेंट हुआ था। विश्वामित्र 2015 के प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है? तो अंजलि वशिष्ठ नहीं है, बाकी सचिन कस्तूरी, मोहन साक्य और सुनील केवट हैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया अब तक का? 1998-99 में। चंदू सरवटे क्या खेलते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर है। शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित? शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित है। हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किस ओलंपिक में किया था? लंदन ओलंपिक में। इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़ है। विश्व सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश के शहरों की कौन सी टीम थी? भोपाल थी विश्व सीरीज हॉकी में। रणवत सिंह स्टेडियम कहाँ है? रीवा में है। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? जहाँ पे इंदौर में पहला ओडीआई क्रिकेट मैच हुआ था 1983 में। नेहरू स्टेडियम में 1983 में पहला वनडे हुआ था। कब हुआ था इंदौर में? नेहरू स्टेडियम में 1983 में। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है? होलकर स्टेडियम में। अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के चुनावों में उसके से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया अभिलाष खांडेकर को चुना गया था। किसको? अभिलाष खांडेकर को। अभी ये उसका मध्य अभी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? सचिन तेंदुलकर ने 2010 में बनाए थे, ग्वालियर में बनाए थे। और दोनों याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे। कहाँ बनाए थे? ग्वालियर के स्टेडियम में बनाए थे। कब बनाए थे? 2010 में बनाए थे। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निदेशालय में निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? वशिष्ठ पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता, एकलव्य विश्वामित्र विक्रम दिया जाता है। किस खेल के साथ रूप सिंह जुड़े हैं? रूप सिंह हॉकी से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश ओडीआई टीम के कप्तान कौन है? 2017 में नमन ओझा। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था? 2013 में हुआ था। धार के आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? आदित्य बैडमिंटन से संबंधित है। चंदू सरवटे किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। अहमद शेर खां किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी से। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम इंदौर में नहीं है, रीवा में है। बाकी अभय खेल मिसाल नेहरू और होलकर इंदौर में। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। व्यक्तिगत खेलों में एकलव्य पुरस्कार किसको चुना गया 2019 में? 14 लोगों को चुना गया था। इनमें से अंशिता पांडे वुशु, अक्षय जोशी घुड़सवारी, शंकर पांडे फेंसिंग। सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कौन से कप्तान थे? सीके नायडू जो थे टेस्ट मैच में पहले कप्तान थे। याद रखिएगा, टेस्ट मैच में पहले कप्तान थे सीके नायडू। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है? रूप सिंह स्टेडियम। 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका का जो वनडे मैच हुआ था उसे 3 ओवरों के बाद निलंबित किया था। क्यों किया था निलंबित? क्योंकि पिच जो थी वो अच्छी नहीं थी। कब की बात है? ये 1997 की बात है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। शंकर लक्ष्मण किस ओलंपिक में गोलकीपर थे? तो ये 1956, 1960 और 1964। शंकर लक्ष्मण इन तीनों में ही गोलकीपर थे। शंकर लक्ष्मण को मरने के बाद ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? शंकर लक्ष्मण को 2016 में सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में। किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता रही? 1998-99 में रही। कब रही? 1998-99 में। कौन सा जबलपुर में स्थित है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। कौन सा रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है वो जबलपुर में स्थित है। अगला है, कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं? वो है सीता साहू। रीवा जिले की जन्मी सीता साहू किस ओलंपिक में पदक विजेता रही? एथेंस विशेष ओलंपिक में। कौन से एथेंस विशेष ओलंपिक के? वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? 2011 में खेली थी। कहाँ पे? इंदौर में। सचिन ग्वालियर याद रखना और वीरेंद्र सहवाग का इंदौर याद रखना। विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन है? कौन? समीर दाद। भोपाल बादशाह मध्य प्रदेश में किस खेल की टीम है? हॉकी की। मतमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? चंद्रकांत पंडित। कौन है? चंद्रकांत पंडित है। होलकर क्रिकेट टीम कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? 4। गौरव चौहान किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। किस वर्ष एमपी सेलिंग अकादमी को सर्वश्रेष्ठ सेलिंग क्लब से सम्मानित किया गया? 2017 में सर्वश्रेष्ठ सेलिंग कप दिया गया।
देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना 2006 में कहाँ हुई? भोपाल में। कौन क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है इनमें से? ये बाकी के जो तीन हैं शंकर लक्ष्मण, शिवेंद्र और असलम शेर का हॉकी से है, नरेंद्र मेनन क्रिकेट से जुड़े हैं। कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार? विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1,00,000। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच। विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार की राशि बढ़ चुकी है, 1,50,000 हो चुकी है, 2,00,000 हो चुकी है। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चयनित जय मीना जो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं कहाँ के हैं? देवास के। किस नरेंद्र हिरवानी कहाँ से जुड़े हैं? क्रिकेट से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? ऐसबाग में। पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट किस स्टेडियम में खेला गया? ऐसबाग स्टेडियम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट खेला गया, याद रखिएगा, ऐसबाग स्टेडियम में। कौन मध्य प्रदेश का नहीं है? नरेंद्र निर्माणी, असलम शेर का, कीर्ति आजाद, संध्या अग्रवाल। कीर्ति आजाद हमारे मध्य प्रदेश के नहीं है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला एकलव्य किसे प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो कनिष्ठ मतलब जूनियर खिलाड़ी को। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान राशि पहले 50,000 थी, अब 1,00,000 हो गई है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1996-97 में। कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश शिखर सौदा द्वारा नहीं दिया जाता? शिखर अवार्ड नहीं दिया जाता है। सचिन कस्तूरी किससे संबंधित है? सचिन कस्तूरी सॉफ्ट बॉल से संबंधित है। मोहन साख किससे संबंधित है? मोहन साख के रोइंग से संबंधित है। प्रभात जोशी अवार्ड 2017 किसे दिया गया? चंद्रशेखर चौहान को। 2015 किसको दिया? हर्ष यादव को। एकलव्य पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2016 में वीरेन पवार को ताइक्वांडो के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। किस स्टेडियम को जाना जाता था उषा राजे के नाम से? होलकर को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है? बाराबाती नहीं है, नेहरू रूप सिंह होलकर है। सुनील केवट किस खेल से संबंधित है? सुनील केवट कयाकिंग कैनोइंग, याद रखिएगा, सुनील केवट किससे हैं? कयाकिंग कैनोइंग। सुनील केवट को किस वर्ष विश्वामित्र पुरस्कार मिला? 2015 में। कौन सा शहर में अभय खेल मिसाल है? इंदौर में। साई सेंट्रल रीजनल सेंटर कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी कौन है? समीर दास। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है अमिताभ विजयवर्गीय। विश्वामित्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो पूरे जीवन किसी खेल के कोच के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए। इनमें से वह कौन सा मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर ने ODI में नावा दोहरा शतक बनाया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाया था, अभी मैंने बताया था, ग्वालियर में 2010 में। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है? अजिंक्य रहाणे मध्य प्रदेश के नहीं है, बाकी अभय खुरासिया, नरेंद्र हिरवानी और नवन ओझा हमारे मध्य प्रदेश के हैं। रणमल सिंह स्टेडियम रीवा में है। वनडे में सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक कहाँ लगाया? ग्वालियर में। सौरभ वर्मा धार का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। निशानेबाजी 2015 का विक्रम पुरस्कार किसे मिला? वर्षा वर्मन। 2018 का मिला अनम वासित को। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ हुए थे 2018 में, मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? वर्षा वर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें केवल मध्य प्रदेश की एक खिलाड़ी थी वर्षा वर्मन। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कहाँ है? क्रिकेट में है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। अमी कमानी का संबंध किससे? स्नूकर से। राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किससे? क्रिकेट से। शंकर लक्ष्मण का संबंध किससे? हॉकी से। शिवेंद्र सिंह, रूप सिंह, असलम शेर और अहमद का क्या है? हॉकी खिलाड़ी है। एन सुधाकर बाबू, एम चंद्रशेखर, रफीक खान, इन सब में क्या समानता है? ये खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर दोनों में है। अगला है, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन है? मंसूरी अली खान। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? संध्या अग्रवाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, वो जुड़ जाइएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन जूनियर चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक कौन है जो धार में हुए थे? आदित्य जोशी हैं, धार के हैं, और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य जोशी धार के हैं, याद रखिएगा। कौन सा क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था? सैयद मुश्ताक अली। विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहले थे कौन? सैयद मुश्ताक अली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी कौन है? संजय जगदाले। मधु यादव किस खेल से हैं? हॉकी से हैं। पान सिंह तोमर किस खेल में सातवां राष्ट्रीय विजेता रहे हैं? स्टीपल चेज। उसमें स्टीपल चेज में मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में भी खेला है? नरेंद्र हिरवानी। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? नेहरू स्टेडियम इंदौर में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार है विश्वामित्र पुरस्कार।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को हॉकी खेल के लिए 2012 को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया? शकील अहमद कुरैसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदौर है। कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश में नहीं है? कीर्ति अदद मध्य प्रदेश के नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? भोपाल में है। नौकायन के क्षेत्र में संबंधित अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विदेशक कौन है? जी एल यादव। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। शूटिंग अकेडमी भोपाल में है। बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है और क्रिकेट अकेडमी ग्वालियर में है। कुश्ती और शूटिंग भोपाल में है। टू हेल विथ हॉकी किस खिलाड़ी की पुस्तक है? असलम शेर खां। मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के दिया जाता है? 19 वर्ष से कम को एकलव्य, उससे ज़्यादा को विक्रम पुरस्कार। पाइका योजना है खेलों के विकास से संबंधित। विक्रम पुरस्कार के तहत पहले 50,000 दिया जाता था, फिर 1,00,000 कब से दिया जाने लगा? 2013 से, और अब वर्तमान में 2,00,000 रुपये राशि है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है? 50,000। 2019 में मध्य प्रदेश खेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सीनियर वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को क्या दिया जाएगा? देखो, जो खेल नीति आई उसमें क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर जीतेंगे तो 5,00,000, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सीनियर वर्ग में है तो 2 करोड़ दिया जाएगा, जूनियर वर्ग में है तो 1 करोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। खेल संचालनालय कहाँ है? भोपाल में है। इक्वेस्ट्रियन खेल अकेडमी कहाँ है? इक्वेस्ट्रियन खेल अकेडमी भोपाल में है। किस खेल अकेडमी का मुख्यालय भोपाल में है? तो नेशनल सेलिंग स्कूल तैराकी एथलेटिक्स, इन सबका मुख्यालय भोपाल में है। किस खेल अकेडमी का मुख्यालय जबलपुर में है? तो तीरंदाजी, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग, इनका कहाँ पे है? जबलपुर में है। कहाँ मलखम और जिम्नास्टिक खेल अकेडमी है? मलखम और जिम्नास्टिक खेल अकेडमी है उज्जैन में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 46 में। हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बैतूल से सांसद बना है, हसन खान है। कौन है? हसन खान। कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? बॉल गोदरेज। कौन जाना जाता है? बॉल गोदरेज। बॉल गोदरेज को क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही एक खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला, तो अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड किसको मिला है? संध्या अग्रवाल को। एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय कहाँ है? सीहोर में। मध्य भारत महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2006 में। मध्य भारत महिला हॉकी अकेडमी। ऋषिकेश कानितकर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? ऋषिकेश कानितकर क्रिकेट के हैं। अपने एक ही मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन सा है? नरेंद्र हिरमानी। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार के लिए चयनित भोपाल के फराज खां का है क्या खेलते हैं? भोपाल के फराज खां घुड़सवारी खेलते हैं। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? 1975। मध्य प्रदेश में डेली सील टूर्नामेंट कब प्रारंभ किया गया? 1913 में डेली सील टूर्नामेंट मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी महाराजा यशवंत राव ने। किसने की थी? महाराजा यशवंत राव ने की थी। देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य जहाँ विद्यालयों में खेल भी एक पीरियड के रूप में चुना जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश। किस खिलाड़ी का जन्म इनमें से इंदौर में हुआ? राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में हुआ था। उनको वॉल द वॉल भी कहा जाता है। एनसीसी का राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। 2018 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया? सुधीर वर्मा को। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस शहर के हैं? ग्वालियर के हैं। किस क्रिकेटर ने भारत से बाहर किसी देश में सबसे पहले शतक लगाया? मुश्ताक अली ने। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेलिंग स्कूल खोलने में किसका योगदान रहा है? भारतीय नौसेना का योगदान रहा है। भारतीय सरकार ने प्रदेश के किस स्थान पर खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की है? खेल गांव बनेगा सतकड़ी में। किस हॉकी खिलाड़ी को 2018 में एकलव्य पुरस्कार दिया गया? तो नीरज राणा और विवेक प्रसाद सागर को। एकलव्य अवार्ड प्राप्त नावरे मनीता देवी का संबंध किससे है? नावरा मनीता देवी का संबंध साइकिलिंग से है। 2019 में अबूधाबी में ओपन रिगाटा में किसने स्वर्ण पदक जीता? रितिका दांगी ने। रितिका देवी कहाँ की हैं? रितिका दांगी राजगढ़ की हैं। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को 2019 में मोस्ट प्रोमिसिंग याट पर्सन ऑफ द ईयर दिया है? रितिका दांगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिसिंग याट पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया है? रितिका दांगी को दिया है। राजगढ़ की हैं वो रितिका दांगी, और उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है? अबूधाबी में ओपन रिगाटा में स्वर्ण पदक जीता। एकलव्य अवार्ड प्राप्त अद्वैत पागे किससे संबंधित है? 2018 का अद्वैत पागे तैराक है। जो नम्रता बत्रा का संबंध किस खेल से है? बुसू से है। 2018 में मिला। किन खिलाड़ियों का संबंध भोपाल से है? जानवी, निशा तांबड़े, उमा चौहान, सबका भोपाल से संबंध है।
2017 का प्रभात जोशी पुरस्कार प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर चौहान कहाँ से हैं? उज्जैन से। 2018 में कितने खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड मिला? 10 को। और विक्रम और अभी 2018 का विक्रम अवार्ड प्राप्त करने वाले रुक्मणी दांगी का संबंध रोइंग से है। किस खिलाड़ी को 2018 का विक्रम अवार्ड प्राप्त हुआ? हर्षित तोमर, प्रणय खरे, भीम सोनकर, सबको मिला है। घनश्याम चौधरी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। हर्षित तोमर सेलिंग से हैं, प्रणय खरे घुसवाबारी से हैं, भीम सोनकर पावर लिफ्टिंग से हैं। अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकी वॉन्डर्स और हैप्पी वॉन्डर्स किस खेल के समय? लकी वॉन्डर्स और हैप्पी वॉन्डर्स कबड्डी के हैं। लकी वॉन्डर्स और हैप्पी वॉन्डर्स। मध्य प्रदेश की पहली प्रोफेशनल राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ हुई? होशंगाबाद में हुई। बुशु खेल में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बुशु खेल में भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। चाकवान व ताइची का संबंध किससे है? बुसु से। रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप का आयोजन कहाँ हुआ? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा ये यस कप, ट्रिपल क्राउन सील, गुलाबराव चड्ढा कप, ये तीनों का याद किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस कप, ट्रिपल क्राउन सील, गुलाबराव चड्ढा कप। कौन सा खिलाड़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रांड मास्टर है? रफीक खान। रफीक खान एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर है, मतलब शतरंज का। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ है? अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में। याद रख लीजिएगा, अशोक पटेल जबलपुर गए थे। प्री सुशीला का संबंध किससे है? पी सुशीला का संबंध हॉकी से है। गामा पहलवान का संबंध किससे है? दतिया जिले से है। किस खिलाड़ी को जिब्राल्टर की चट्टान कहते हैं? शंकर लक्ष्मण को कहते हैं जिब्राल्टर की चट्टान। किसको कहते हैं? शंकर लक्ष्मण को जिब्राल्टर की चट्टान कहते हैं। खेलगांव का शिलान्यास कब किया गया? अप्रैल 2007 में। कब बना खेलगांव? अप्रैल 2007 में। बजरंगी प्रसाद का संबंध कबड्डी से है। इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब कब जीता? 1945-46 में। मंसूर अली खान पटौदी भारतीय टीम के कप्तान कब थे? 1962 में थे। कब थे? 1962 में। एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए चयनित धार के प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? प्रियांशु राजावत तिराक है। किस प्रदेश की खेलोत्सव मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कोई भी अगर फ्लो में बोलने के कारण कोई भी ऑप्शन अगर मुझसे गलत हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूंगी। कमेंट बॉक्स चेक करा कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रहलाद अहिर का संबंध किससे? फुटबॉल से। ईश्वर पांडे का संबंध किससे है? क्रिकेट से। सम्मान निधि किसे दी जाती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के मूल निवासियों उनको। राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भोपाल किसके सहयोग से तैयार किया गया? आईआईटी खड़गपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भोपाल किसके सहयोग से बना? आईआईटी खड़गपुर। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में यंग राइडर कैटेगरी में किसे स्वर्ण पदक मिला? प्रणय खरे को। उत्तराखंड में चौथी नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स स्पर्धा में मध्य प्रदेश के ज्ञानेंद्र सिंह तोमर का चयन हुआ। मध्य प्रदेश से किसका हुआ? ज्ञानेंद्र सिंह तोमर। कौन सी चौथी नेशनल मार्शल आर्ट में? कहां पर हॉकी टर्फ की स्थापना की जाएगी? नरसिंहपुर में। खेल गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए क्षेत्रीय विधायक निधि से प्रत्येक वर्ष कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? 5 लाख क्षेत्रीय विधायक निधि से, ये ध्यान रखिएगा। देश की पहली मध्य प्रदेश की गोताखोर खिलाड़ी कौन है जिन्होंने बेंगलुरु में एशियन एज ग्रुप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? पलक शर्मा है। कौन है गोताखोर खिलाड़ी? पलक शर्मा है। सम्मान निधि कितने वर्ष से अधिक आयु खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी? 55 से अधिक को। सम्मान निधि से लाभान्वित भूतपूर्व खिलाड़ियों को जीवन पर्यंत प्रतिमा कितनी धनराशि दी जाएगी? 5,000। आदिवासी खेल महाविद्यालय कहाँ है? सीहोर में। मध्य प्रदेश के शंकर घोष किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। रिंकू आचार्य किससे हैं? टेबल टेनिस से। 38वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? पृथ्वीपुर में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी फीडर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हॉकी फीडर सेंटर धार में। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12 कर दी है। महिला फिडे मास्टर बनी नित्यता जैन का संबंध किस जिले से? इंदौर से। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में हॉकी स्पर्धा आयोजित की जाती है? किशन दात की। एनी जैन का संबंध किससे है? इंदौर से है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर की भूमिका निभाने वाले नितिन मेनन का संबंध किससे है? इंदौर से है, इन्होंने अंपायर निभाई। मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो को फतेह किया? मेघा परमार ने किलिमंजारो को फतेह किया। कहाँ पर फुटबॉल एकेडमी की स्थापना होगी? इंदौर में होगी। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा के 72 ग्रुप वर्ग में वुमन ऑफ MP किसे दिया? ईसा सिंह को। चीन में आयोजित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इशिका शाह ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्पिनर सलाहकार किसे नियुक्त किया गया वर्तमान में? नरेंद्र हिरवानी को। रोइंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जबलपुर में। रोइंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जबलपुर में। विक्रम अवार्ड किसने को प्राप्त किया? प्रणय खरे जो घुड़सवार है। राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले निशानेबाज ओमकार सिंह का संबंध कहाँ से है? अनूपपुर से। जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा और नीरज शर्मा कहाँ के हैं? पूनम शर्मा और नीरज शर्मा जूडो खिलाड़ी हैं, सीहोर के।
राज्यपाल सम्मान दिया गया 2018 में शिक्षक संजय जैन को। इनका चयन 2020 में राष्ट्रपति सम्मान के लिए हुआ था। कहाँ के हैं? टीकमगढ़। व्यक्तिगत खेलों में एकला पुरस्कार 2019 को किसे चुना गया? अजात शत्रु, आजाद, आदित्य दुबे, गोविंद बैरागी, सबको चुना गया। दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार के लिए किसे चुना? तो पूजा पारखी और करिश्मा यादव को। कहाँ निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बन रहा है? ग्वालियर में। कहाँ बन रहा है निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम? ग्वालियर में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लगभग 300 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और 30 मिनट में कराए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बार इनको रिवीजन कर लीजिएगा, एक एक बार सुन के। कुछ करंट के जो पुरस्कार चेंज हुए हैं वो मैं एक बार कमेंट बॉक्स में और आपको लिख दूंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा कि विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार की राशि कितनी कितनी है, तो वो एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और जो भी होगा, कहीं उससे मिस्टेक हुआ होगा, तो वो भी मैं चेंज करा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।